गाजा में इसराइली फोर्स की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। शहदा की तादाद 2800 से मुतजावज, 1030 मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए। जख्मी फलस्तीनियों की तादाद 10,000 से ज़ायद है। एक ही रोज़ में 400 फलस्तीनियों को शहीद किया गया, 2300 जख्मी। इसराइली हुकाम ने एक रोज़ में 250 हमलों की तस्दीक कर दी। अस्पताल पर बमबारी से कई डॉक्टर्स शहीद हो गए, अद्वियात नापैद हैं। 1,000 से ज्यादा अफराद की इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। शुमाली गाजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर, अस्पतालों और मुर्दा खानों में जगह खत्म हो गई। मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाइयों के दौरान 600 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रेड क्रॉस के मुताबिक अस्पताल चलाने के लिए सिर्फ आज का ईंधन बाकी है। फलस्तीन में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां, अक़वामे मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के अजलास में रूस के करारदाद पास न हो सकी। रूसी मुसवदे में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया था। मग़रिबी दुनिया का कहना था हमास के मुतमत ना होने पर मुसवदे की हिमायत नहीं करेंगे। रूस मुसवदे पर 5 ममालिक ने हक में वोट दिया। अमरीका, फ्रांस और बरतानिया समेत 4 ममालिक ने मुखालफत में वोट दिया। 6 दीगर ममालिक गैर हाजिर रहे। ब्राज़ील के करारदाद पर भी वोटिंग होगी। अमरीकी सदर कल इसराइल का दौरा करेंगे। टीवी इंटरव्यू में बाइडन ने कहा गाजा पर दोबारा कब्जा करना इसराइल की बड़ी गलती होगी। हमास और दीगर शदत पसंद अनासर फलस्तीनी अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते। शदत पसंदों का ताकुब करना और उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है। मजीद कहा इसराइल जंग के कवानीन के पास तारी करते हुए अपना हक दिफा इस्तेमाल करेगा। दूसरी जानब अमरीकी वजीर खारजा एक बार फिर इसराइल पहुँच गए। एंटनी ब्लिंकन 6 ममालिक का दौरा करके इसराइल पहुँचे। इसराइली वजीर आजम से मुलाकात। फारूक हबीब ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल, 9 मई को रचाई गई साजिश बेनकाब। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन पीटीआई ने पुरतशद्दुद मुज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। चेयरमैन पीटीआई को आईनी तरीके से अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। 9 मई के अफसोसनाक वाक़े के बाद हम अपने घरों से दूर रहे। 9 मई को जो कुछ भी हुआ वो गलत था। लोगों को फौज के खिलाफ लड़ने की हिदायत दी गई। साइफर को सियासी बयानी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।